नमस्कार, आप देख रहे हैं पुलिस वाला वेब न्यूज और मैं हूं आपके साथ छवि। सिंगरौली में दहेज की मांग पूरा न होने पर ससुराल पक्ष वालों ने विवाहिता को जिंदा जला दिया, जहां उपचार के दौरान विवाहिता की विगत दिवस अस्पताल में मृत्यु हो गई। उक्त आशय की जानकारी देते और आरोप लगाते हुए मृतका के भाई ने बताया कि मेरी बहन रानी देवी का विवाह वर्ष 2017 में बड़े धूमधाम के साथ रामपाल पुत्र अनंत लाल बसवार ग्राम दुराज पोस्ट लमसरे जिला सिंगरौली के साथ किया गया था। शादी में एक मोटरसाइकिल, 51,000 नगद और अपनी हैसियत के मुताबिक और सारा सामान दहेज में दिया था। शादी के कुछ दिन बाद ही मेरी बहन को ससुराल वाले प्रताड़ित करने लगे और 1 लाख और एक सोने की चेन की मांग करने लगे, जिसकी शिकायत मेरी बहन द्वारा हम लोगों से की। मैंने कई बार समझाया, अनंता रामपाल पिता अनंत लाल बैसवार और उसकी माँ फुलगेसा पत्नी अनंत लाल और उसकी 3 पुत्रियां अनीता बबीता सीता द्वारा दिनांक 20 अप्रैल 2020 को अकारण मारपीट करते हुए उसके ऊपर मिट्टी का तेल डालकर जला दिया। सूचना मिलते ही हम सब उसके ससुराल पहुंचकर तत्काल उसको लेकर मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल राउटर्सगंज ले गए। डॉक्टरों ने बनारस के लिए रेफर कर दिया है। फिर हम सब परिवार के लोग उसे ले जाकर फोर्ड हॉस्पिटल बनारस में भर्ती कराया, परंतु ससुराल पक्ष का एक भी व्यक्ति नहीं आया, जहां मेरी बहन ने आप बीती बताते हुए कहा कि ये लोग 18 अप्रैल 2020 को उन्होंने मुझे मारा था और आज ये सब फिर मारपीट कर मेरे ऊपर मिट्टी का तेल डालकर आग लगा दिया, जहां विगत दिवस इलाज के दौरान दिनांक 28 अप्रैल 2020 को लगभग सुबह 4 बजे उसकी मृत्यु हो गई, जिसे हम लोग बनारस से एम्बुलेंस द्वारा गढ़वा थाने लाए। यहां से गढ़वा पुलिस लाश को पीएम के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जितरंगी के लिए भेजा गया है। समाचार लिखे जाने तक परिजनों को पीएम का इंतजार था। नाम है आपका? जी सूरज मेरा नाम है। कहाँ के निवासी हैं? अरे मैं बरकंडा सीधवर सोनभद्र उत्तर। तो क्या मामला है, आप यहाँ हॉस्पिटल पे आए? मेरे बहन को ससुराल वालों ने जला दिया है, उसके इधर हॉस्पिटल में थी भर्ती बनारस एक्सपायर हो गई, मैं आया हूँ इधर हॉस्पिटल में। तो क्या मामला था? अरे वो दहेज का मामला था, मैं 51,000 नगद, एक मोटरसाइकिल, एक रिंग और बाकी समस्त सामान दिया था, 1 लाख की मांग थी। और कब किया था शादी अपने बहन? 2017 में। और फिर उसके मतलब और कुछ मामला इस तरीके से, किस तरीके से उसको क्या किया गया था कि उसकी मृत्यु हो गई? 2 साल से उत्पीड़न कर रहे थे, 2-3 दिन पहले उसको मारे थे लोग ससुराल वाले। कौन मारे थे? उसके ससुराल वाले, ससुर ननद और सास पति वती सब मिल गए। अच्छा, और किसी की मांग उसमें और कुछ? अरे भाई 1 लाख रुपए की मांग थी और एक चैन का मांग कर रहे थे। मैं बोला भाई अब होगा तब दूंगा, मेरे पास जितना औकात है उतना ही दूंगा। अच्छा, किस गांव में शादी किए थे? अरे दोरज कला। कहाँ पड़ता है? अरे एमपी में पड़ता है वो, भरहरी यूपी के बॉर्डर में। तो आप FIR नहीं करवाए अभी तक? अभी अब सर दही इलाज में रह गया तो कैसे करें इलाज। तो यहाँ पे पोस्टमार्टम के लिए लाए हैं आप? हाँ ठीक है।